नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सतना के जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे पंचायत मंत्री को नहीं दिखा बगल में पड़ा कचरा। खाना पूर्ति कर चंद मिनटों में लौटाए वापस। जिले में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक होने के बाद सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रामखेलावन पटेल बुधवार को जिला अस्पताल पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में जन जागरूकता सहित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने की बात कही थी। सतना जिला ब्यूरो जितेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जी सर, आज आप लोगों ने जैसे निरीक्षण किया तो आने वाली तीसरी लहर के उपलक्ष में किया कि ये ऑक्सीजन प्लांट वगैरह की जानकारी लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे मध्य प्रदेश में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली है और उस बैठक के बाद ये निर्देश दिया कि क्राइसिस मैनेजमेंट के मंबर को जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और मेडिसिन सब सब चीज़ों को जाकर जाँच करेंगे। जी, हम लोग यहाँ पर आए और जाँच किया और हमें बताते हुए खुशी हो रही है ऑक्सीजन के दो प्लांट यहाँ लगे हैं, दोनों बराबर चालू हालत में मिले, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन उसमें जनरेट हो रही है, इसलिए कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। मेडिसिन भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना का तीसरा लहर आती है या जो अभी नया वेरिएंट आ रहा है आती है तो हम उससे लड़ के और पहली बात तो हम मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। अगर ऐसी मजबूरी भी आती है उसके लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। जिला अस्पताल में साफ सुविधा की कोई है, कुछ कमियां हैं उसको बैठ के दूर करेंगे, निश्चित रूप से कुछ कमियां रहती हैं, यहाँ सार्वजनिक लोग रहते हैं, थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, हम लोग बैठेंगे उसकी चिंता करेंगे। वहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन उसमें जनरेट हो रही है, इसलिए कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। मेडिसिन भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना का तीसरा लहर आती है या जो अभी नया वेरिएंट आ रहा है आती है तो हम उसमें से लड़के और पहली बात तो हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। अगर ऐसी मजबूरी भी आती है उसके लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। सर, जिला अस्पताल में साफ सुविधा की कोई कुछ कमियां हैं उसको जी दूर करेंगे, निश्चित रूप से कुछ कमियां रहती हैं, यहाँ सार्वजनिक लोग रहते हैं, जी जी, थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, हम लोग बैठेंगे उसकी चिंता करेंगे। जी जी सर, इसमें नाम बता दीजिए। मैं योगेश ताम्रकर, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। जनप्रतिनिधि को निर्देश दिए थे कि अस्पताल में जाकर देखने की ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं, चालू है कि नहीं, और हमने कलेक्टर साहब ने, आदरणीय योगेश ताम्रकर जी ने, यहाँ के CS ने, CHO में जाके ये देखा तो सभी ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं और जिस क्वालिटी के हिसाब से चालू होने चाहिए क्वालिटी के हिसाब से चालू हैं। यहाँ बच्चों के वार्ड भी एक दो दिन में बन के तैयार हो जाएंगे। पूरी तरह सरकार और जिला क्राइसिस मैनेज कमेटी यहाँ सुचारू रूप से कि अगर एक तो जो ये क्रोमी क्या है ओमिक्रॉन ये आने की संभावना तो आया नहीं है, हिंदुस्तान में भी उसकी कोई वेरिएंट मिले नहीं, अगर ऐसे वेरिएंट मिलते भी हैं तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार पूरा जिला प्रशासन चुस्त है दुरुस्त है तैयार है।